हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके जैब एग्जाम में जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का कंपोनेंट है, आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वैसे तो ये जो टिप्स हैं अक्रॉस ऑल एग्जाम्स आपके एप्लीकेबल होंगे आपके जैब एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक रूल है आपका कि आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना है। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको 0.5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, 1 मार्क्स के भी करने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और आपके पास क्या है, 100 मार्क्स हैं, मैक्सिमम जो आप स्कोर कर सकते हैं, और आपके पास 120 मिनट्स हैं। तो अगर देखा जाए, आपके पास 1.2 मिनट्स हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ना 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को ना दीजिए। उसका फायदा क्या होगा कि आखिरी में जो आपके पास टाइम बचेगा, यू कैन गो बैक एंड आप वो क्वेश्चन जो आपके छूट गए हैं, जिनमें आपको डाउट है, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ना दीजिए। ट्राई करें कि जो 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें तो 1 मिनट से भी अगर कम समय है, कोई बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो उसको और कम टाइम दीजिए, ताकि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर सकते हैं। तो आपको टाइम इस तरीके से मैनेज करना है और पूरे 2 घंटे को मैनेज करना है। आप ट्राई कीजिए कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो पहले 20 से 25 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। पहले 1 घंटे में आधा पेपर सॉल्व हो जाए, ये करने का आपको ट्राई करना है। तो ऐसा नहीं कि हर मिनट में घड़ी देखिए, लेकिन हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको ट्राई करना है कि आप ये देखना है कि आप ट्रैक पे हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम जो है वो मैनेज करके चलना है। एक बात और, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। 3 राउंड्स में पेपर कीजिए। सबसे पहले सबसे इजी श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर दीजिए। जो नहीं आता रिव्यू के लिए छोड़ दो। उसका फायदा क्या होगा कि एंड में जब आपके पास फ्री टाइम है तब आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं डिफिकल्ट वाले, और आपको जो आते हैं वो आप खुले टाइम में आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले राउंड में इजी, दूसरे में वो क्वेश्चंस कीजिए जिनमें 1-2 ऑप्शंस का डाउट है, उन्हें सॉल्व कीजिए। फिर थर्ड राउंड में आप वो क्वेश्चंस करें जिसका आपको आइडिया नहीं है, जहां पे आपको गेस लगाना है, और गेस ना तुक्के नहीं मारने हैं, एजुकेटेड गेस लगाने की कोशिश करनी है। जितना हो सके एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि ये हमें पता है कि ये वाला तो ऑप्शन गलत ही गलत है, तो उसे आप साथ के साथ एलिमिनेट कर दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है, लेकिन वो भी कैसे करना है, टाइम मैनेज करके, कि पहले आधे घंटे में पहले इजी क्वेश्चंस करो, पहले पेपर शुरू होते ही एक बार गो थ्रू कर लो पेपर को। तो ये सब आपने करने की कोशिश करनी है अपने एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, अभी जो एक हफ्ता लगभग होता है आपका एग्जाम से पहले, उसमें आपको क्या रूटीन बना के रखनी है। तो हमेशा कोई भी एग्जाम देना है, ट्राई करिए कि अगर आपका एग्जाम 9 बजे है, उस दिन जो आपका रूटीन होगा ना, वो आपने एग्जाम से पहले के हफ्ते में फॉलो करना है एग्जैक्टली। कि अगर आपको उस दिन 5 बजे उठना है तो अभी आप 5 बजे उठना शुरू कीजिए। अपना टाइम यूटिलाइज उस तरीके से कीजिए जैसा पेपर वाले दिन करना है। आपका माइंड को ट्रेन करना है आपको। अगर आप रात को लेट लेट सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं रात तक जाके, और सुबह फिर आप लेट उठ रहे हैं, और एग्जाम वाले दिन फिर आप 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे ना, पूरा दिन ग्रॉगी सा फील होता रहेगा, नींद आती रहेगी आपको, बेस्ट आप एफर्ट नहीं दे पाएंगे पेपर में। तो इसीलिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। सेंटर अगर जितने बजे पहुंचना है, फिर वेटिंग टाइम होता है, इन सब चीजों के लिए अपने माइंड को रेडी रखना है कि जो भी आपका टाइम स्लॉट है उस हिसाब से आप अपना एक हफ्ते पहले ही रूटीन बनाइए, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये चीज आपको करनी है। अगली चीज, तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है कुछ भी नया सोर्स मटेरियल नहीं पिक करना है। आजकल हम क्या करते हैं कि ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, चलो यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये नया करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मॉक्स नहीं दे रहे हैं, बस आप क्या करते जा रहे हो, नया नया मटेरियल उठाते जा रहे हो। एक ही सोर्स से पढ़ो, 10 बार पढ़ो।
ये कैसे काम आएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जब एक ही चीज आपने 10 बार एक ही जगह से पढ़ी होती है तो वो बहुत काम आती है आपके। कोई YouTube पे नए वीडियोस मत देखो, जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। जहां से आपने पढ़ा है अगर वहीं से रिवीजन सीरीज चल रही है तो रिवाइज कर लीजिए, लेकिन डोंट पिक एनीथिंग न्यू। कि किसी दोस्त ने बोला कि मैंने सुना है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो तुम ये पढ़ लो, तो आपने अगर वो टॉपिक छोड़ा है और आप दोबारा से पिक कर लो तो दैट विल नॉट बी राइट फॉर योर प्रेपरेशन। उसके बाद अगली चीज जो है वो है रश नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले अगर पेपर बाय चांस डिफिकल्ट आ जाता है, सबके लिए डिफिकल्ट है, आसान है सबके लिए आसान है, तो ये माइंड में हमेशा रखना है। अगर आपका प्रेपरेशन अच्छा है और आपको भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, सबको डिफिकल्ट लग रहा है, साथ में जो बैठा है उसको भी उतनी ही पैनिक फील हो रही है, तो आराम से एक बार तो पेपर को देखना है। दूसरा, अगर बहुत आसान है रश नहीं करना है। अब देखो आपने देखा कि क्वेश्चन आसान है, आपने ये नहीं ध्यान दिया कि क्रेडिट कार्ड नहीं वहां पे तो चार्ज्ड कार्ड लिखा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को मिक्स नहीं करना है। करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है, ओनली नॉट, ये जो टर्म्स है इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। एक होता है पेपर मुश्किल, तब आप वैसे ही पैनिक कर जाओ कि अरे आता ही नहीं है मैं तो फेल हो जाऊंगा। दूसरा एक होता है ओवर एक्साइटेड हो जाना, आप रश करते हो कि ये तो बहुत ही आसान पेपर है मैं एक साथ सारा कर लूंगा। वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट स्टेटमेंट भी है तो भी ध्यान से पढ़ो, एक एक ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, आता है तो भी। और जब बहुत ही लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती है ना, ये भी एक चीज होती है कि जो बहुत लंबा स्टेटमेंट है ना 0.5 में भी, तो ये सोच लेना बहुत इजी होते हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस कि 3-4 लाइनें हैं क्वेश्चन की फिर जाके ऑप्शंस हैं, तो उसको देख के भी नहीं घबराना और एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ओनली पूछा है, क्या पूछा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आखिरी चीज जो है ये है आपके पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी में क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला कि एक चीज को 10 बार एक ही जगह से पढ़ो। मान लो पेपर में एक क्वेश्चन आया, आपको पता है आपने पढ़ा है लेकिन ना फॉगी है माइंड में, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा कि कहां पढ़ा था, क्या था ये, क्या आंसर है इसका। उस टाइम पे अगर आपने एक ही सोर्स से उस चीज को पढ़ा है ना, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि बुक से पढ़ा था तो बुक में कहां पे था, बुक के राइट साइड पे था, नीचे था, इस पैराग्राफ में कहां लिखा था। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड में मेमोरी ट्रिगर हो जाता है और आपको याद आ जाता है। अगर मैंने एक ही चीज, मान लीजिए ये टॉपिक है, ये पेज है, मैंने नोट्स में ना यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज, और अगर मैंने यही चीज को 10 बार पढ़ा है यहीं से, तो मैं पेपर में रिकॉल करूं कि पेज में ना राइट पेज के लेफ्ट पे कहीं पे था, तो आपका माइंड जो है उस मेमोरी को एकदम से दोबारा से सामने ले आएगा और आपको वो चीज याद आ जाएगी। ये साइकोलॉजिकल है, कोई हवा में बात नहीं है, ये प्रूव्ड चीज है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक चीज को बार बार वहीं से पढ़ो, अपने नोट्स बनाए उनको देखो, आपकी जो हैंडराइटिंग है ना आपके दिमाग में छप जाएगी, या जो नोट्स है आपके दिमाग में छप जाएंगे, और वही चीज आपको इस ट्रिक से, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी से, आपको एकदम से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टिप्स हैं, इनको अगर आप ध्यान दें, लास्ट टाइम पे पैनिक ना करें, रश ना करें, सेंटर पे टाइम पे पहुंचे, जो कि बेसिक चीजें हैं, तो आपका जो एग्जाम है अच्छे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा हो। गुड लक, थैंक यू सो मच।